हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सिटीज चैनल। तो आज आपको मैं बताऊंगा सीएनसी टर्निंग में टूल ऑफसेट कैसे डालते हैं। तो चलिए आज आपको मैं बताऊंगा कि सीएनसी मशीन में जो ऑफसेट लेट है वो कैसे डालते हैं। ठीक है, तो देखिए सीएनसी मशीन में दो प्रकार से ऑफसेट डाला जाता है। या एक तो जो हमारा होता है ज्योमेट्री में आके एक्स और जेड को मेजर करने के बाद जो वैल्यू आती है वो तो टूल का ऑफसेट हो जाता है। बट एक और होता है जो कि हम प्रोग्राम में देखते हैं। तो चलिए मैं दोनों दिखाऊंगा बताऊंगा। तो देखिए प्रोग्राम में आते हैं। देखिए एक प्रोग्राम है ऑफसेट का, मान लीजिए 0012 वाला, ये हमारा प्रोग्राम नंबर है, सीक्वेंस नंबर है। इसमें देखिए G10P1001 एक्स इतना, जेड इतना, एन डब्लू G11 एंड ब्लॉक। देखिए इसमें G10 क्या क्या मतलब है, P1001 का क्या मतलब है, एक्स और जेड है क्या। ठीक है, तो इसमें देखिए बता रहा हूँ G10 का क्या मतलब है। देखिए G10 होता है पैरामीटर एंट्री मोड, माने जो भी हमारा एक्स वाई का पैरामीटर था एंट्री करता है और ये पैरामीटर एंट्री मोड को कैंसिल करता है। ठीक है, जहाँ G10 यूज करेंगे उसके नेक्स्ट माने उसके नीचे जो पैराग्राफ होगा उसमें G11 का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो इसमें मान लीजिए ये हमारा G10P1001 है, एक्स इतना वाई इतना, जो एक्स सॉरी वन है यानी एक नंबर, टूल है ये, दो नंबर, ये तीन नंबर, ये चार नंबर। ठीक है, उसके बाद एक्स के रीडिंग जो यहाँ मेजर कराते हैं मशीन में, इस पॉइंट पे जो मेजर कराए, मान लीजिए टूल एक मैंने मेजर कराया इतना एक्स में आया और जेड में आया है, मान लीजिए जो एक्स में रीडिंग आया है उसे एक्स में डाल देंगे। ठीक है, एक्स में डाल देंगे और जो जेड में आया वो जेड में डाल देंगे। तो यहाँ पे अगर हम डाल देते हैं तो हमारा जो ये मशीन में ज्योमेट्री में ऑफसेट पड़ा रहता है ये अगर डिलीट भी हो जाए तो हमारा मशीन प्रोग्राम को ही रीड करेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे आप डाल दे रहे हैं प्रोग्राम में कुछ और पड़ा है तो उसमें हमारा मशीन इसी को रीड करेगा प्रोग्राम के, बल्कि ज्योमेट्रिक ऑफसेट को रीड नहीं करेगा। अगर आप यहाँ डाल दिए वो ऑटोमेटिक ज्योमेट्रिक ऑफसेट में जाकर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑफसेट सीएनसी में डाला जाता है। बीएमसी में भी ऐसे ही सेम होता है, बट उसमें एक वाई और बी एक्सिस ऐड हो जाता है, उसमें एल आर ये सब भी यूज होते हैं। तो उसका भी मैं बता दूंगा, उसका भी ऑफसेट कैसे डाला जाता है बीएमसी में भी। तो चलिए एक ऑफसेट लेके देखते हैं मशीन पे। ठीक है, तो चलते हैं मशीन पे। देखिए मशीन पे आ गए पोजीशन पे। ठीक है, पहले मशीन को होम पोजीशन कर लेते हैं, मशीन को होम पोजीशन करते हैं। अब एक्स को कर लेंगे, एक्स को कर लेंगे। ठीक है, देखिए वर्कपीस एक लेते हैं, वर्कपीस सर्कुलर ले रहे हैं जिसका लेंथ है 200 और इसका मोटाई है, डायमीटर है 80 का। ठीक है, तो चलिए वर्कपीस मशीन में लोड हो गया, देख से आपको दिखा दूं। ठीक है जी, देखिए वर्कपीस लोड हो गया। ये हमारा वर्कपीस है, चेक है, ये हमारा टैरेट है। चलिए इसमें टूल लेते हैं, टूल बांधते हैं एक। ठीक है, ये टूल है हमारा,
इसको दो नंबर में बांधते हैं, माउंट करते हैं मशीन में डायरेक्ट। देखिए हमारे दो नंबर में टूल लग गया होगा, घुमा के दिखाएं, जॉग में लगाएंगे, टायरेट को इंडेक्स करेंगे, टूल दिखा, ये रहा। अब देखिए इसको ऑफसेट कैसे लेंगे। अब मशीन हमारी होम पोजीशन पे खड़ी है, एक्स जीरो और जेड जीरो, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इसमें क्या करेंगे, देखिए जॉग में लगा लें, जॉग में लगी है मशीन, अब एज एड माइनस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया, अब ये हमारा मशीन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा ये अगर जेड में इसे जीरो करना है, टच कराते थे जेड में, आप ठीक है। मान लीजिए यहाँ जेड में भी टच हो गया और एक्स में, तो क्या करेंगे, जेड में ऑफसेट कैसे लेते हैं, ऑफसेट में जाएंगे, मान लीजिए टूल नंबर दो है, दो में लेते हैं, तो जेड में पे ले लेंगे। तो जेड में क्या करेंगे, जेड में मान लीजिए टच हो गया, तो यहाँ करेंगे जेड 0.0 मेजर कर देंगे, इतना आ गया वैल्यू। अब देखिए अब एक्स में क्या करेंगे, एक्स में जीरो करने के लिए ये डायरेक्ट कितना था, 80 का था, तो इसलिए यहाँ करेंगे एक्स 80.0 और मेजर, तो ये भी इतना वैल्यू आ गया। जो ये वैल्यू आए एक्स और जेड को, उसको यहाँ प्रोग्राम में लाकर हम यहाँ पुट कर देंगे। तो इससे हमारा ये होगा कि अगर ऑफसेट कभी डिलीट भी हो जाए तो मशीन एक्सीडेंट होने की संभावना कम होती है, ठीक है। तो इसी तरह मेजर करके यहाँ डाल देते हैं, और इसके बाद मान लीजिए ये तो हो गया आपका, ये हो गया, इसके बाद तो फिर
फिर हमारा जैसे टूल ऑफसेट, जितने टूल पड़े हैं उतने ऑफसेट डाल देते हैं, उसके बाद एन टू, फिर हमारा ये होम पोजिशन टूल देके उसके बाद प्रोग्राम को डाल देते हैं, तो हमारी प्रोग्राम मशीन में रेड कर लेता है। तो इसी प्रकार ऑफसेट डालते हैं, और बीएमसी को भी बताऊंगा कि उसका भी ऑफसेट कैसे डाला जाता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब।